सोलन में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के 25 प्रदेशों में 20 राज्यों के करीब 50 महिलाओं ने भाग लिया। 3 दिन तक चली इस अभ्यास शिविर में महासंघ के विभिन्न वक्ताओं द्वारा उपस्थित प्रशिक्षकों को आंगनबाड़ी में कार्य करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। सोलन में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय अभ्यास पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला सभागार में किया जा रहा है, जिसमें महासंघ के 25 प्रदेशों में से 20 राज्यों के करीब 50 महिलाएं भाग ले रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग शिविर में महासंघ के विभिन्न वक्ताओं द्वारा उपस्थित प्रशिक्षुओं को आंगनबाड़ियों में कार्य करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं ने भी अपनी अपनी समस्याओं को वक्ताओं के सामने रखा और उनका समाधान के बारे में भी जाना। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की महामंत्री अंजलि पटेल ने मीडिया से बात करते हुए अभ्यास शिविर की अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में महासंघ द्वारा महिलाओं के लिए अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के करीब 20 प्रदेशों की 50 महिलाएं भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यास शिविर के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी की विभिन्न मांगों को लेकर भी चर्चा की गई और वेतन वृद्धि को लेकर भी मंथन किया गया। महामंत्री अंजलि पटेल ने बताया कि अभ्यास शिविर संपन्न होने के पश्चात महासंघ विभिन्न मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 जनवरी को देश के प्रत्येक प्रदेश के जिलाधीश के माध्यम से महासंघ की महिलाओं द्वारा विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के लिए महामंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि महासंघ की उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए महिलाएं बाध्य होंगी। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की रणनीति है, ये नहीं मोदी जी सुनते हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं सुनता है, तो हम अपने जो आगामी ये है उसको जरूर हम लोग ये किए हैं, उसके ऊपर फिर से समीक्षा करते हुए आगे बैठक लेते हुए आगे उसकी लड़ाई हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और अपनी मिनिमम वेजेस और रिटायरमेंट बेनिफिट विद पेंशन ये जरूर हम लेंगे, ये हमारी रणनीति है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।